पंचायती राज सम्मेलन की तैयारियां यहां पर पूरी हो गई हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ऐतिहासिक वेंकट भवन के सामने का मैदान है, यहां पर कल पंचायती राज सम्मेलन होगा। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। जिला पंचायत अध्यक्ष अमय मिश्रा की अगुवाई में होने वाले इस सम्मेलन में संभाग भर के लगभग 10 से 15 हज़ार पंचायती राज के अगुआ यानी पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पंच, सरपंच यहां पर मौजूद होंगे। जैसा कि अभी हम आपसे जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा से भी इस बारे में हम यहां पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी तैयारियां किस तरीके से पूरी हो रही हैं। ये कल आपके कार्यक्रम की जो अंतिम तैयारियाँ काफ़ी जोर शोर से दिख रही हैं, कल किस तरीके का क्या कार्यक्रम? कल हमारा पंचायती राज का महासम्मेलन है जिसमें अजय सिंह जी राहुल हमारे मुख्य अतिथि हैं। अभी हम लोगों ने जनपदवार बैठकें की हैं और अब हमारा ये जिला सम्मेलन, पूरे जिले भर के पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य सब के सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हमारी संख्या लगभग 15 से 16 हज़ार होती है पंचों को मिलाकर, और हमारा ऐसा मानना है कि हम 15 हज़ार से कम नहीं हैं। कल यहाँ पर ये पूरी तादाद में ये पूरा कल आपको नज़ारा ही कुछ और होगा। हमारा मूल उद्देश्य है, हमारे ऊपर जिस तरह से सरकार ने कोड़े बरसाए हैं और पंचायती राज को जिस तरह से नस्ता नाबूद और अपमानित किया है, तो अब समय आ गया है हिसाब किताब का। तो ये पंचायती महासम्मेलन के माध्यम से हम जन जागृत करेंगे इस बात के लिए कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है और नई सरकार से अब हमें अधिकार चाहिए। अब इनसे अधिकार भी न चाहिए, अब हम सरकार बना लेंगे, नई कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस की विचारधारा में है पंचायती राज, हमें ये बात देर से समझ में आई और उसी के लिए मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आया। मेरी जिद है कि पंचायती राज को जस का तस प्रदेश में लागू करवाना है, और इस तरह का सम्मेलन हम फिर इसके बाद अन्य जिलों में करेंगे। और करते करते हम 2 अक्टूबर से पहले, राजीव गांधी जी की कल जयंती पुण्यतिथि है, कल से हमारा शुरू हो रहा है, और गांधी जी की जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है उसमें हमारा समापन होगा भोपाल में महापंचायत में। और उसके बाद आप देखिएगा, ये जो लाठी चलवाते थे, कोड़े चलवाते थे, माई का लाल कहते थे और पंचायती राज के लोगों को जूते की नोक पर रखा था इन्होंने, अब इनको हमारी औकात उस समय समझ में आएगी 2 अक्टूबर का जब हमारा भोपाल में पंचायती राज की महापंचायत हो। अभी आप सुन रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद अभय मिश्रा ने अपनी पूरी ऊर्जा पंचायती राज को आगे बढ़ाने के लिए लगाई है। कल का सम्मेलन इस बात को साबित करेगा कि यहाँ पर पंच, सरपंच, सदस्य किस तादाद में आए और अभय मिश्रा को उन्होंने किस तरीके का समर्थन दिया। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ मैं जावेद अंसारी, रीवा दर्शन।